नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं शिवनगर टाइम्स। दोस्तों, झुंझुनू जिला और अपना शेखावाटी एरिया है, वाकई में एक अद्भुत है। अद्भुत इसलिए क्योंकि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो यहीं से आज़ाद हुआ है, बिल्कुल यहीं से उसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन आज हमारे साथ दो बेटियाँ ऐसी हैं, दो बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके पिताजी भी एक नारा लेकर चले हैं साथ में, यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और एक पूरे क्षेत्र को, पूरे भारत देश को संदेश देना चाहते हैं, बिल्कुल काफ़ी लोगों में जागरूकता फैलाना चाहते हैं। और ये जो बच्चियाँ हैं ये भी अपने पिताजी का साथ दे रही है। बिल्कुल पूरी जानकारी लेंगे कहाँ से ये यात्रा स्टार्ट हुई है और कहाँ के रहने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो आप चारावास के हैं, सुल्ताना के नज़दीकी आपका गाँव है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही अच्छी बात है, और शायद आपके लिए भी कि आप शेखावाटी के लाल हैं। बिल्कुल, मैं प्राउड हूँ, प्राउड फील करता हूँ कि मैं झुंझुनू का रहने वाला हूँ, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा फौजी देने वाला एकमात्र अपना झुंझुनू है, कि राजस्थान से झुंझुनू आता है जब सबसे ज़्यादा फौजी हैं, और मैं भी एक फौजी हूँ जो सेसब में जॉब करता हूँ, और मेरा गांव है चारावास, तहसील खेतड़ी में पड़ता है। तो ये क्या पहल शुरू कर दिया आपने, साइकिलों पर निकल पड़े हैं, और कहाँ से निकले हैं, क्या मतलब कहाँ से शुरुआत की और क्या मोटिव है, क्या मन में आया कि बेटी बचाओ, मेरे दो बेटियाँ हैं तो बेटियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इस पहल की शुरुआत की है मैंने अपने यहीं के बुडानिया गाँव के, एक मेरे भाई हैं जेरी चौधरी जो ऑलरेडी अपने इंडिया कंप्लीट कर चुके हैं, और उन्होंने 5 कंट्री की साइकिल से यात्रा की है। उनका है मोटो पर्यावरण बचाओ पेड़ लगाओ, तो उनको देख के, और एक अपने ही इंडिया में एक साइकिल बाबा के नाम से जाने जाते हैं जो 94 कंट्री अभी वो घूम चुके हैं, अभी 94 कंट्री इटली के आसपास वो ट्रेवल कर रहे हैं साइकिल से, उनको आज 7 से 8 साल हो गए ट्रेवल करते हुए। तो हम उनसे इंस्पायर हैं दोनों से। और एक छोटी लड़की है जो पटियाला की रहने वाली है, उसका नाम है रावी, हिमालय साइकिलिंग से उसको, हिमालय साइकिलिंग के नाम से उसको जानते हैं, उसको देख के मेरी बेटियाँ प्रभावित हुई हैं, इन तीनों साइकिलिस्ट को देख के मेरी बेटियाँ प्रभावित हुई हैं, तो हम इन तीनों को ही हमारा इंस्पिरेशन मानते हैं। इनको देख के हम अपना मिशन लिया कि लाल चौक श्रीनगर से हम 30 तारीख को चले थे, आज हमारा 11वां दिन है और अपने झुंझुनू में आज पहुंच चुके हैं। हमारा घर यहाँ से 15 किलोमीटर है, तो हमें घर आए हुए भी ऑलरेडी 4 महीने हो गए, अप्रैल में छुट्टी आया था, उसके बाद आज अभी जा रहा हूँ घर, तो मेरी छुट्टियाँ भी शुरू हैं, तो घर में मम्मी पापा बेटी के दादाजी से मिलके जाएंगे और गाँव वालों से मिलके जाएंगे। जब लाल चौक से आप लोग निकले थे तब कैसा क्या माहौल था, वहाँ के लोगों ने आपको क्या सपोर्ट किया, कुछ मिला क्या वहाँ पर? वहाँ पे अभी जैसे हम न्यूज़ में सुनते हैं श्रीनगर में ये है, जम्मू में ये है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने जहाँ हम रहते हैं जैसा ये ऐसा ही माहौल वहाँ पे है, वहाँ पे बहुत पीसफुल माहौल है। अगर किसी को मौका मिलता है तो श्रीनगर एक बार जाके देखो कि अपने देश की वो चीज़ है कि सबसे खूबसूरती में जिसको बोला जाता है सबसे खूबसूरत शहर श्रीनगर ही है। वहाँ के लोगों के साथ हमने, लोकल फैमिली के साथ हमने 3 से 4 दिन बिताए, हमें बहुत अच्छा फील हुआ, वो भी मुस्लिम फैमिली के साथ। तो हमारे यहाँ तो अपना हिंदू मुस्लिम का कोई रोल है ही नहीं, राजस्थान में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो लोग करते हैं वो बहुत गलत है, भाईचारा बना के रखना चाहिए, और वहाँ बहुत अच्छा लगा हमें। कहा जाता है कि श्रीनगर खूबसूरत है तो वहाँ पर खतरनाक भी है? बिल्कुल खतरनाक नहीं है। हमें 5 दिन के अंदर किसी भी चेक पोस्ट पर ये भी नहीं कहा गया कि आप कहाँ से आयो, क्यों आयो, कैसे जायो। हमें वहाँ पे एक अपनी कश्मीर की शादी में भी इंजॉय करने का मौका मिला, उनको देखने का मौका मिला, और वहाँ के लोग जो मुस्लिम शादी थी और मुस्लिम ही लोगों के साथ हमें रहने का मौका मिला। हमने घूमा, सोफिया घूमा, बारामूला घूमा, आसपास के गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए, हमने खूब सारा एरिया वहाँ घूमा, तो हमें बहुत अच्छा लगा। आज कितने दिन हो गए आपको और क्या परेशानी आई बीच रास्ते में, क्या कठिनाई आई? परेशानियाँ तो कुछ खास नहीं है, बस थोड़ी सी समस्या की दोपहर के खाने की रही है हमारे साथ, कि अगर आप सपोर्ट खूब रहा लोगों का, लेकिन दोपहर के खाने में जैसे आपने कहा कि आ जाओ होटल में खाओ, तो होटल में हमारे बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि हम देसी आदमी है, घर का खाना ही पसंद करते हैं, तो इसलिए। और बाकी रात को तो किसी ना किसी फैमिली के साथ, हमने हर स्टेट की फैमिली के साथ एक एक रात गुजारते हुए आए हैं, तो उनके वहाँ पे रह के हमें बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों की मम्मी ने ये नहीं कहा क्या, बच्चों को कहाँ लेकर जा रहे हो आप, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, इन्हीं से पूछ लो। बेटा आप कहाँ जा रहे हो? हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक का टूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हमें साइकिल चलाने का जो बहुत इंटरेस्ट है, और दूसरा कि हमें ये मैसेज पहुंचाना था पूरी दुनिया तक कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हो रहा है क्या भेदभाव अपने यहाँ पे? होता है जी। किस तरह? कि बेटियों में भेदभाव करते हैं कि, और जैसे साइकिल चलाने नहीं देते बेटियों को। नहीं, साइकिल तो इसलिए कि फिट रहे, अपने अपनी जो बॉडी को फिट रखने के लिए साइकिल चलाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये साइकिल तो आप घर पर भी चला सकते थे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की हो जा रहे हो, क्या मोटिव है आपका, क्या है, आप क्या कहना चाहते हो? कि मैं बस यही, हम लोग एक, हमें साइकिल चलाने का बहुत इंटरेस्ट है, हमने बहुत से एक दो टूर पहले किए हैं, जो कि हमने किया था डलहौजी से वाघा बॉर्डर तक का, उसका बीच का डिस्टेंस रहा 200 कितना रहा? 230 किलोमीटर
260 किलोमीटर रहा और हमने वो पूरा टूर करीब 15 घंटों में किया था, तो हमें विश्वास हुआ हम लंबे टूर कर सकते हैं। मम्मी की याद नहीं आती क्या आपको? नहीं आती नहीं। क्यों है? बेटी तो माँ की होती है सबसे ज्यादा, माँ को प्यारी होती है और बेटी को भी माँ प्यारी होती है। मेरी छोटी बहन है वो माँ के साथ रहती है, मैं पापा के साथ रहती हूँ। मम्मी का ख्याल छोटी बहन रखेगी? नहीं, मुझे पापा के साथ रहना ज्यादा पसंद है, इसलिए नहीं आती यार। अभी जो आपको 11 दिन हो गए लगभग, तो रास्ते में खाने पीने की दिक्कत है और कोई दिक्कत है? बस हमारे बीच में तो इतनी खास दिक्कतें नहीं आई, बस कि हमें दोपहर का रुकने का आया दिक्कत, कि कई बार क्या होता है लोग बोलते हैं आओ होटल में, तो हमको होटल का खाना बहुत कम सूट होता है। जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं राजस्थान झुंझुनू। तो झुंझुनू जिला कैसा है पता है आपको? अच्छा है। अच्छा है जी। अब क्या बनना चाहते हो आगे बड़े होकर? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर ही क्यों? क्योंकि लोगों की सेवा करूं, इसीलिए। और कोई इंजीनियर वगैरह नहीं बनना चाहते आप? सब पायलट बनते हैं, आप साइकिल चला रहे हो तो कोई पायलट वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं? डॉक्टर भी? सर ये अच्छा है, बच्चों को आप और काफ़ी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन एक अपन देखते हैं कि यार आजकल सब लोग ना दिखावे के लिए सब कुछ चलता रहता है, ये भी कर रहा है मैं भी करूँ, वो भी कर रहा है मैं भी करूँ, तो लोगों के मन में आता है कि यार इस तरह का संदेश आप किसी और तरह भी दे सकते थे। सर बात है दिखावे की, तो जो बोलते हैं कि दिखावा कर रहे हैं, तो एक बात चला के देखो, ये बच्चियाँ छोटी छोटी जो उनकी उम्र 8 साल और 9 साल, 150 किलोमीटर 125 किलोमीटर साइकिल चलाती है, और जो साइकिल से आप चला के देखो एक बार, अपने घर में 200-300 मीटर पर दुकानें होती है, स्कूटी के बिना हम सामान लेने नहीं जाते हैं, तो आप एक बार चला के देखो, दिखावा कर रहे साइकिल से करके देखो ना, अब गाड़ी से बस से ट्रक से जीप से सारे करते हैं, एक बार इनसे करके देखो फिर हमें बताओ कि हम दिखावा कर रहे हैं। तो 10 स्टेट कवर करोगे आप इसमें? हाँ, और कब तक पहुंचोगे और कितने किलोमीटर का पूरा ये डिस्टेंस होगा? हमारा सर 3700 से 4000 किलोमीटर अप्रोक्स हो जाए, क्योंकि हम जैसे कुछ रूट है स्किप कर रहे हैं, जैसे अभी यहाँ का हमारा प्लान नहीं था, लेकिन हम अपने गांव से होते हुए जाना थोड़ा अच्छा समझा, क्योंकि कल खाटू श्याम जी जाएंगे, परसों जयपुर जाएंगे, तो काफी दिनों के घर आए हुए, और दूसरी बात हमारा लगभग 3700 से 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी तक रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में लोग जागरूक होंगे क्या इस पहल से, आपको देखकर आपके बच्चों को देखकर? अपना क्षेत्र तो लगभग जागरूक है, लेकिन फिर भी एक आदमी मतलब एक इंसान के मन में जैसे घर में एक पहले बेटी पैदा होती है, दूसरे की च्वाइस होती है कि मेरे बेटा हो, तो वो भेदभाव ना हो, मेरे 2 बेटियां, मैं दोनों बेटियों से खुश हूँ, तो जो भी है बेटा हो बेटी हो, की जनसंख्या को नियंत्रण करना ही अपने सबका काम है। अब देश के प्रधानमंत्री बोले, मुख्यमंत्री, स्टेट के मुख्यमंत्री बोले कि आप जनसंख्या को नियंत्रण करो, बच्चे 2 ही रखो, लेकिन उसमें ये भी है कि आपको 2 बेटियां होगी, लेकिन बेटे की चाहत में लोग 3-4-5 बेटियां पैदा कर लेते हैं, उनकी परवरिश अगर आपके पास अच्छे से परवरिश करनी है तो बेटी एक ही बहुत है। बिल्कुल, वाकई में जब बेटियां हो जाती है, बेटी नहीं होती तब तक तो ये लगता है कि यार बेटा हो, लेकिन होने के बाद ये लगता है कि बेटे की जरूरत ही नहीं है, बेटी ही काफ़ी है। तो हमारे साथ एक साथी और भी इनके साथ जो चल रहे हैं, हरियाणा से सर आप, और आपका भी स्वागत है राजस्थान में झुंझुनू जिले में खासतौर पर। थैंक यू सो मच सर, मेरा नाम प्रदीप है, मैं हरियाणा के चरखी दादरी से रहने वाला हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इन बच्चों के साथ में ट्रेवल करने का मौका मिला, और इनकी एनर्जी देखकर है ना मुझ में भी एक अलग जोश आ गया, और जैसे मैंने काफ़ी साइकिलिस्ट के साथ में ट्रेवल किया, लेकिन इनका जो एनर्जी लेवल है ना वो काफ़ी अमेजिंग है, मतलब ये नहीं है कि थक जाते हैं, नहीं आज भी अभी भी इसको ये बोलोगे कि 15 किलोमीटर चलना है, हाँ चलते हैं अंकल जी चलो। तो ऐसा नहीं लग रहा कि बच्चों को लेकर आप रिस्क ले रहे हैं कि रोड पर चलते हैं, मेन हाईवे पर चलते हैं? देखो रिस्क कहाँ नहीं है, हर जगह रिस्क है, तो लेकिन हम बच्चों को साथ में लेके चल रहे हैं, इनका जो एक फिटनेस भी है और इनका इंटरेस्ट भी है साइकिलिंग में, और काफ़ी लगभग 1 साल से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं इस ट्रिप के लिए, और फिर इनका एक मोटिव भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जिसमें हम इनका सहयोग कर रहे हैं, बल्कि हम इनको लेके नहीं चल रहे बल्कि ये हमें लेके चल रही है, तो ये होना चाहिए आने वाले जनरेशन, आने वाले जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि मोबाइल में घुसे रहते हैं, और जो अपनी जो एक्टिविटी है, जो पहले हम गेम खेलते थे नॉर्मल में, जैसे घर से बाहर खेलते थे मिट्टी में, हाँ, अब क्या है कि एक बच्चा फोन लेके कून में बैठे रहेगा, दूसरा बच्चा उसी घर में दूसरे कून में बैठे रहेगा, पता नहीं चलेगा कि कौन कहाँ पर है। हाँ वही चीज़ है, लेकिन सबसे अच्छा लगा इन बच्चों का ये कि इन्होंने साइकिलिंग ही चूज की। मैंने काफ़ी ट्रेवल किया है, ऑलमोस्ट मेरा इंडिया हो चुका है, और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में एक बार तो आप मतलब इंडिया में घूम के घूम देखना चाहिए, हाँ घूम के देखना चाहिए इंडिया को, क्योंकि जैसे हम लोग बोल देते हैं ये ऐसा है, जैसे अभी कश्मीर के बारे में आप लोग पूछ रहे कैसा है, जाके देखो इंडिया बहुत ही खूबसूरत है, कल्चर अलग है, भाषाएं अलग हैं, लेकिन फिर भी जो यूनिटी है ना वो सब में एक है। तो बच्चों की पढ़ाई वगैरह को डिस्टर्ब नहीं हो रही क्या? नहीं इनकी डिस्टर्ब नहीं हो रही पढ़ाई, ये फर्स्ट आती है,
वो सेकंड आती है, अभी इनका रिजल्ट आ चुका है तो ये फर्स्ट रही है, वो सेकंड रही है और पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इनके। और जो होमवर्क होता है जो इनका शाम को जो हमारे पास टाइम बचता है उनमें हम इनको करवा देते हैं। आपको पापा ने भेज दिया क्या यहाँ इनके साथ? कुछ नहीं कहा। मम्मा याद नहीं आती आपको? आती है। आप कितने बहन भाई हो? मेरा एक भाई। भाई एक। तो मम्मा को याद नहीं करते, फ़ोन पे बात होती है नहीं करवाते अंकल? होती है। बात करवाते हैं? क्या बोलती है मम्मा? कुछ नहीं बोलती है, डांटती नहीं क्या? कहाँ गई मेरे को छोड़ के? नहीं बोलते। आप नहीं बोलते कि मम्मा को मम्मा याद आ रही है? नहीं। वाकई में दोस्तों छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका जो एनर्जी जो लेवल है वो वाकई में देखने लायक है। और हमारे जो आजकल के जो बच्चे हैं, मैं यूँ कहूँगा कि इनसे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी आजकल मोबाइल के अंदर लगे रहते हैं, मोबाइल में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। तो सर कहीं ना कहीं बच्चों का रिस्क तो रहता है, ये हाईवे पर चलते हैं सर, काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। सर रिस्क तो बहुत है, जब मैं वहाँ से चला था तो मतलब चलो मेरी बेटी है, लेकिन इनके माँ बाप को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने मतलब कि हम पे इतना भरोसा करके कि आप इसको साथ लेके जाओ। ये मेरे साथ एक साल से ट्रेनिंग कर रही है और रिस्क लाइफ में बहुत है, लेकिन अभी आज से 10 साल 15 साल ग्राउंड में जाते थे, बच्चे मिलते थे, आजकल सिर्फ 18 साल होने के बाद सिर्फ दौड़ने जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में जोड़ें, ना कि मोबाइल और टीवी में घुसा के रखें उनको, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ये नहीं कहता साइकिल से जोड़ो, किसी भी एक स्पोर्ट्स से आप जोड़ो तो अच्छा रहेगा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। अभी क्या कहना चाहिए क्षेत्रवासियों को आप? सर मेरा होम टाउन है, सबको थैंक यू कहना चाहूँगा, हमें बहुत यहाँ मतलब मैं पला हूँ बड़ा हूँ पढ़ा हूँ, तो यहाँ के मैं क्या कहूँगा, पूरा देश ही कहता है झुंझुनू के बारे में। तो बोलने के लिए 3 बार झुकना पड़ता है, झुंझुनू बोलना पड़ता है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे समस्त देशवासियों को कि हमें पूरा सपोर्ट और सहयोग कर रहे हैं और ऐसे ही हमारा सपोर्ट और सहयोग बनाए रखें तो हमारी यात्रा अच्छे से सफल रहे। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे ही कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं तो ऐसे लोगों की जो ये आगे प्रेरणा बनते हैं, लोगों के लिए प्रेरणा छोड़ते हैं, तो उनकी हमें भी मदद करनी चाहिए। कहीं ना कहीं रास्ते में जब हमें मिलते हैं तो इनकी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए और इनका मनोबल जो है बढ़ाना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, देखते रहे शिवनगरी टाइम्स, जुड़े रहे शिवनगरी टाइम्स के साथ।